डॉक्टर के घर बंधक बनाकर डकैती करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। आनासागर लिंक रोड पर 11 बदमाशों द्वारा लोहे की खिड़की हटाकर डॉक्टर के घर बंधक बनाकर डकैती की वारदात की गई थी, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना बांग्लादेशी निवासी सलीम उर्फ अपन को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए किशनगंज थाना पुलिस प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि 5 अप्रैल 2011 को अजमेर के लिंक रोड पर रहने वाले शैलेंद्र भार्गव के घर पर 11 कुख्यात डकैतों ने डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए परिवार के सभी सदस्यों को अंदर से बंधक बनाकर पीटा और घर में रखी सोने चांदी की ज्वेलरी, नकदी व पहने हुए गहने उतरवा लिए और फरार हो गए। आरोपी ने घर की गाड़ी और मोबाइल भी चुरा ली। इसके आधार पर उनकी पहचान हो सकी। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी सलीम उर्फ अपन को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, जिसे अन्य 3 आरोपियों को लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं उसने चुराए गए माल की बरामदगी का प्रयास भी किया जाएगा। इस गैंग के सभी सदस्य 3 अलग अलग गिरोह बनाकर भारत के विभिन्न इलाकों में लूट डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपी सलीम को कल न्यायालय में पेश करेगी, जहाँ से उसे रिमांड पर लिया जाएगा। ये 5 अप्रैल 2011 की घटना है, जब आनासागर लिंक रोड पर रहने वाले डॉक्टर शैलेंद्र भारद्वाज के मकान में कुछ लुटेरे 10-11 लुटेरे खिड़की एसी की जो ग्रिल एसी की निकाल कर उसके अंदर से घर में प्रवेश करके इन्होंने डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के साथ मारपीट की। उनके घरों के चद्दर उद्दर फाड़ के उनसे उनके हाथ पैर और मुंह बांध के उसके घर में रखे हुए सोने चांदी जेवरात और नकदी वगैरह लूट के लेके चले गए थे। इस पर प्रकरण दर्ज करके उसी समय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया था और 4 मुलजिमान जो 6 शेष थे जिनके खिलाफ 173(8) में तफ्तीश पेंडिंग रखी गई थी, उस पे अभी हमने इसको सलीम उर्फ अपन जो एक और आरोपी था उसको प्रोडक्शन वारंट से हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके इसके पीसी रिमांड लेके इससे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और भी कोई आरोपी? हाँ, इसमें 3 आरोपी और अभी बाकी हैं जिनके बारे में भी मालूम की गई है और उनको भी लाके प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी।